शाहिद खान अफरीदी अपने घर पर मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं। आउट हुए तो मेरे ख्याल में मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसे रन इंडिया ने किए थे कि जिसकी वजह से हम हार जाते मैच। हमें चेस करना चाहिए था, जीतना चाहिए था। रहमान मलिक साहब की कुछ स्टेटमेंट पे नेगेटिव इम्प्रेशन ऐसा लगा काफी हुआ, तो क्या वाज इट रियली समथिंग जिसने किसी के स्पिरिट्स डाउन की, किस तरह देखते हैं आप उनकी, क्या टाइमिंग सही थी स्टेटमेंट? आई थिंक रहमान मलिक साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया था मेरे ख्याल में टाइमिंग मैं नहीं समझता कि ठीक थी, लेकिन रहमान मलिक साहब का 3-4 दफा मेरे पास फोन आया और उन्होंने बात को मतलब वो अपने अंदाज से बात करना चाह रहे थे मुझसे। खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी उनकी बात की, लेकिन ये था कि मैं अपने कामों में बहुत ज्यादा खोया हुआ था और मेरे ख्याल में आई थिंक मैं समझता हूँ कि उनसे गलती हुई है और मेरे ख्याल में आई थिंक आई होप के फ्यूचर में इस तरह की गलती ऐसे स्टेज पे नहीं होनी चाहिए किसी से। वेस्ट इंडीज मैं एक आधा दिन में 2 दिन में डिसीजन लूंगा, इसलिए कि कंटिन्यू क्रिकेट खेलते 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 मेरे ख्याल में थोड़ा सा घर वालों को भी टाइम देना चाहिए और अच्छा अगर हम लोग ना जाएं ऐसे यंगस्टर्स जाने चाहिए, टीम के साथ जाने चाहिए जो कि डोमेस्टिक में काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको चांस मिलना चाहिए, उनमें से अच्छे प्लेयर आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। मैंने ये बताया बैटिंग वजह से और आपने पावर प्ले लेने में ताकत की, इमरान खान ने भी कहा, तो इस बारे में बताएंगे क्या ये वाली बात थी? मेरे ख्याल में देखें इमरान भाई की जहाँ तक बात है, इमरान भाई की अपनी एक सोच है और इमरान भाई से मेरी हर मामले में बात होती रहती थी, लेकिन मैं टीम के ज्यादा क्लोज था तो मैं बेहतर डिसीजन लेने या मेरे साथ जो लोग बैठे हुए होते थे उनसे मैं बेहतर डिसीजन लेता था। तो मेरे ख्याल में मिसबा की बैटिंग अपने लिहाज से बहुत बेहतर थी, मैं नहीं समझता कि मिसबा की ऐसी कोई वजह है। आई थिंक वो चाह रहा था कि गेम क्लोज से क्लोज हो जाए और मैं भी ये चाह रहा था कि 2-3 ओवर खेले फिर उसके बाद हमने पावर प्ले लेना था, तो जो जिस सिचुएशन में होता है वो बेहतर होता है। जब आप मैच हारते तो इस तरह की बातें निकलती है। आपने बात की मोहतरमा टीम मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और आवाम की सपोर्ट की वजह से कोई लड़का गिरा नहीं और लड़के ज्यादा तक सपोर्ट होगी। थैंक यू सो मच सोना इस अपील। माफी मेरे ख्याल में जिस तरह की हमने इनिंग के लिए बैटिंग की है तो उसकी माफी मांगी है। शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे जाहिर है, बहुत बदतमीजी हो गई, कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे? बड़े अफसरदा नजर आ रहे थे लोग। मैं दोबारा माफी मांग लेता हूँ इस एयरपोर्ट से जब निकलने की मैंने कोशिश की, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आवाम के बीच में से, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, आवाम के बीच में से निकलने की मेरी कोशिश होती है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे जो कि उनका हक है बोलना चाहिए, लेकिन वहां पे इतना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया नहीं था जिसकी वजह से मुझे पिछला दरवाजा इस्तेमाल करना पड़ा। तो क्या अब जो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आप खेलेंगे T20 में उनको खेलेंगे, आईसीसी किसी भी इवेंट में होंगे, तो इंडिया के लिए कोई खास मेहनत हमें करनी चाहिए साइकोलॉजिकली? मुझे सिर्फ यहाँ के लोगों की सोच समझ नहीं आती कि हम इंडिया से क्यों इतना, इंडिया के अगेंस्ट 5-0 हो गया, क्यों इंडिया के हम लोग इतने खिलाफ है, हमारी हम क्यों इंडिया से इतनी नफरत लेके बैठते हैं, क्या दूसरी टीमें नहीं होती? नफरत की रैबलरी नहीं, मेरा मतलब है ऐसी बात है तो इंडिया से, अगर ऐसी बात है सारी, हमारे हर घर में इंडियन ड्रामे चल रहे होते हैं, हमारे हर शादी की ब्याह इंडियन तौर तरीकों से होते हैं, हमारे घर में जितनी इंडियन मूवीज देखी जाती है, तो फिर किस चीज की नफरत सिर्फ इंडिया से क्यों? नफरत मेरा मतलब है कि देखिए सब हर चीज अपनी जगह पे है, ये सारी बातें हैं और मेरे ख्याल में एक क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह लें, इंशाल्लाह आप सपोर्ट करते रहें, बड़ी बड़ी टीमों को हराएंगे। पाकिस्तानी टीम को फतह के ट्रैक पे लाए हैं, अगर वेस्ट इंडीज ना जाने का फैसला आप करेंगे तो आप नहीं समझते जो फतह को मोमेंटम बनाए उस पर फर्क पड़ेगा? देखिए अभी तो एक आधा 2 दिन थोड़ा आराम करें, जरा अभी 2 दिन से सोए भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा दिमाग ठिकाने आएगा तो जरा फिर डिसीजन लेंगे। मेरे ख्याल में जो हम दूसरा मैच जीते थे राउंड का अगेंस्ट श्रीलंका, वो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगले आने वाले मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैच, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त था। जितनी बूम बूम अफरीदी अपने जारहाना अंदाज में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका यह कहना था कि हौसले बुलंद हैं, शिकस्त खेल का हिस्सा है, कुछ नहीं होता, तैयार रहेंगे हमेशा अगले मौके के लिए, अगली जंग के लिए। खबरें आपने मुलाहजा की।